पूरे देश में कोरोना वायरस का संकट की दूसरी लहरों से लोग जूझ रहे हैं और ऐसे में एक नया फंगल आ चुका है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में एक और बीमारी अपना कहर बरपा रही है जिसका नाम है म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस। स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसकी स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को लेकर प्रमाण आधारित एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि जो लोग कोविड से जूझ रहे हैं उनमें ब्लैक फंगस भी देखने को मिला है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या है ब्लैक फंगस और क्या है इसके लक्षण, इसके बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सरकार ने अनियंत्रित डायबिटीज और ज्यादा समय आईसीयू में रहने वाले कोरोना संक्रमितों में म्यूकर मायोसिस नाम के इस फंगल इन्फेक्शन के बढ़ते खतरे पर एडवाइजरी जारी की गई है और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आप मुझे Facebook पेज एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पर फॉलो कर सकते हैं, साथ में फर्दर अपडेट के लिए ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF के लिए आप मुझे t.me/exam-warriors-begins पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या है म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस। एक्चुअली म्यूकर माइकोसिस एक तरह की काफी दुर्लभ फंगस है जो कि बॉडी में इन्फेक्शन फैला रही है। आज के समय पर देखा जाए तो इसका जो ज्यादातर जो इन्फेक्शन है वो हमारे दिमाग और हमारी फेफड़ों के साथ साथ हमारे स्किन पर हो रहा है। इस बीमारी में कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली जा रही है, वहीं कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनके जबड़े और नाक की हड्डियां गल जाती हैं। ऐसे में अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो उनकी मौत भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है कोरोना के साथ साथ एक और भयावहता प्रकट कर रही है जिसमें लोगों की जाने जा रही हैं। ये बीमारी खासकर उन लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही है जो पर्यावरणीय रोग जनकों से लड़ने में उनकी जो इम्यूनो सिस्टम है वो कमजोर पड़ रही है। ऐसे में ये जरूरी है कि जो लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें अपने इम्यूनो सिस्टम को डेवलप करना होगा। बात करते हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है। अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं है पर आपको अगर कुछ इस तरह की चीजें जैसे कि आपको डायबिटीज की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है और कुछ तरीके की ऐसी बीमारियां जो कंटिन्यू होती रहती हैं, तो ऐसे में अगर आपको बुखार आता है, सिर दर्द होती है, खांसी या सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर खून की उल्टी और मानसिक स्थिति में बदलाव आपको नजर आता है तो डेफिनेटली आपको इसके लिए चेकअप करवाना चाहिए। ये म्यूकर माइकोसिस का लक्षण हो सकता है। वहीं कुछ लोगों में इस इन्फेक्शन को लेकर के फुंसी या छाले भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा जहां पर इन्फेक्शन हुआ है वहां पर की जगह काली हो सकती है, आंखों में दर्द, धुंधला दिखाई देना और पेट दर्द के साथ साथ उल्टी और मिचली महसूस होती है, तो ये सभी लक्षण म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के हो सकते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको इसके लिए चेकअप जरूरी है। म्यूकर माइकोसिस का इलाज पॉसिबल है और इसे ठीक किया जा सकता है अगर इसे सही समय पे इसकी जानकारी हो जाए। म्यूकर माइकोसिस को इलाज के लिए इसका एंटी फंगल के साथ किया जाता है। कुछ मामलों में डॉक्टरों ने इसे सर्जरी के लिए बताया है, जहां पर आवश्यक हो सर्जरी करा करके इसे ठीक किया जाता है। डॉक्टरों के अनुसार डायबिटीज नियंत्रित करना, स्टेरॉयड का उपयोग कम करना और इम्यूनो मॉडलिंग ड्रग्स को बंद करना इसके लिए सबसे बेहतर होता है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपको स्टेरॉयड की प्रॉब्लम है तो आपको इसे कंट्रोल करना होगा, इसे मेंटेन करना होगा। अगर आप इसे नहीं कर पाते हैं तो ये बीमारी आपकी जान ले सकती है। ऐसे में आपको इन चीजों को कंट्रोल करना ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत में इस बीमारी का लक्षण कहाँ देखने को मिला, तो गुजरात और महाराष्ट्र, जहाँ पर जो लोग कोरोना के से संक्रमित थे या फिर ऐसे लोग जो ज्यादातर टाइम आईसीयू पे थे या फिर जिनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से वो डायबिटीज या फिर एस्टेरॉयड जैसी प्रॉब्लम से ग्रसित थे, तो ऐसे लोगों में इसकी समस्या देखने को मिली है। इस समस्या में ज्यादातर लोगों में देखा है कि वो अंधे हो गए हैं और लोगों की आंखें खराब हो गई हैं और रोशनी गायब हो गई है। इसके अलावा ये ज्यादातर मामले अभी तक महाराष्ट्र और गुजरात में ही है। तो इससे बचने का सिंपल सा उपाय है कि आप अपने आप को इम्यून सिस्टम को डेवलप करें और अगर इस तरह की कोई भी समस्या आपको लक्षण जो मैंने बताई है ऐसा दिखता है तो आपको उसके लिए चेकअप जरूर कराना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी फायदेमंद लगा होगा। आपके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को लेकर के आप मुझे इस चैनल पे अपडेट
सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस भयावह बीमारी जो कि कोरोना वायरस है उसके साथ साथ फंगल इन्फेक्शन जो लोगों को परेशान कर रहा है की जानकारी मिल सके। नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा दीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। और तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।